श्री कृष्णा तो आज के भक्तों का स्वागत है सो मच फॉर जॉइनिंग अस इतना श्लोक तक श्रवण कर चुके थे हम लोग याद है 25 तक प्रभु जी 25 था। 25 था। 25 था। बता दूं क्या प्रभु जी क्या बताया था आपने शॉर्ट नहीं, नहीं 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 बस तो है मैं देख लेता हूं 25th हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम धन्यवाद प्रभु हम्म तो 26 से शुरू होगा ना ओके यूट्यूब लाइव कैंसिल है आज थिंक इंटरनेट इशू की वजह से अध्याय अध्याय श्रीमदभागवत श्लोक संख्या छब्बीस धर्म अर्थ काम अभीत्रिवर्ग धर्म अर्थ काम अभित्री त्रिवर्ग इच्छात्री नये दमो विविध च इच्छात्रयीविधा च वार्ता मन्ये तत् एतत् अखिलं निगमस्य सत्यम् मन्येतत् एतत् अखिलं निगमस्य सत्यं स्व आत्म अर्पणं स्वसुहृदपरमस्य पुंसः स्व शब्दार्थ इस प्रकार है धर्म धर्म अर्थ आर्थिक उन्नति काम संयमित इंद्र तृप्ति इस प्रकार यह जो अभिहित बताए गए त्रिवर्ग तीन का समूह इच्छा आत्म साक्षात्कार त्रय वैदिक अनुष्ठान नए तर्क दमो दमो विधि एवं व्यवसाय की विद्या विविधा अनेक प्रकार च भी वार्ता वृत्ति कर्तव्य जीविका मन्य में जानता हूं तत्को अखिलम सारा निगमश वेदों का सत्यम तो आत्म अर्पणम अपने को पूरी तरह से अर्पित कर देना स्व सुहद अपने परम मित्र को परमश्य परम पुनसाह पुरुष अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ये शिवभक्तिप्रपात की अनुवाद में लिखते हैं क्या तथा आत्म वैदिक आदेशानुसार संपन्न कर्मकांड विधि तथा व्यवस्था विज्ञान एवं जीविका अर्जित करने की विविध साधन आते हैं ये तो वेदों के अध्ययन के बाह्य विषय हैं अतएव मैं उन्हें भौतिक मानता हूँ तो मैं भगवान विषय के चरण कमलों में समर्पण को दिव्य मानता हूँ शिला की सैनिता गौर और हरे हरी बोल पढ़िए तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेंगे हरे कृष्णा तात्पर्य में शिला जी कहते हैं भक्त प्रहलाद महाराज के ये उपदेश भक्ति की दिव्य स्थिति पर बल देते हैं जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता फोर्टीन पॉइंट में पुष्टि की गई है माम चो यो अव्यभिचारे नक्ति योगे न सेवते सगुणान क्षमती तेतान ब्रह्म भूयाओ कल्पते जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है जो व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति में पूर्णतया निरत रहता है वह तुरंत ही दिव्य पद को प्राप्त होता है जो कि ब्रह्मभूत अवस्था है ऐसी शिक्षा या कार्य जो ब्रह्मभूत पद या आत्म साक्षात्कार पद पर नहीं होता वह भौतिक माना जाता है और भक्त प्रहलाद महाराज का कहना है कि कोई भी भौतिक वस्तु परम सत्य नहीं हो सकती क्योंकि परम सत्य तो आध्यात्मिक धरातल पर होता है इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद भगवत गीता 2.45 में की है जहां पर वे ये कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रे गुण्यो वेदों में मुख्य रूप से भौतिक प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन मिलता है हे अर्जुन इन गुणों से ऊपर उठो इन सब से परे हो भले ही किसी के कर्मों की स्वीकृति वेदों द्वारा क्यों ना मिली हो भौतिक पद पर कर्म करना जीवन का लक्ष्य नहीं है जीवन का परम लक्ष्य तो परम पुरुष को पूर्ण रूप से समर्पित होकर आध्यात्मिक पद पर बने रहना है मानव जीवन का उद्देश्य यही है सारांशतः वैदिक कर्म कांडो तथा आदेशों की अवमानना नहीं की जानी चाहिए वे आध्यात्मिक पद तक पहुंचने के साधन है किंतु यदि कोई इस पद तक नहीं पहुंच पाता तो सभी वैदिक अनुष्ठान केवल समय के अपवय इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 1.2.8 में हुई है धर्म विश्वक सेना कथा रति श्रम एव ही केवलम कर्तव्य धर्म चाहे जिस वृत्ति के पुरुष द्वारा किए जाए यदि वे परमेश्वर के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं कर पाते तो उन पर किया समस्त परिश्रम निरर्थक है यदि कोई दृढ़ता पूर्वक धर्म के कार्यों को करता है किंतु यदि वह अंततः परमेश्वर की शरण में नहीं जाता तो उसका मोक्ष या ऊपर उठने के सभी साधन समय तथा परिश्रम के अपूरे मात्र है बहुत सुंदर श्लोक है ना <laughs> गत सत्र में बता रहे थे कि भगवान आदि पुरुष हैं अनंत हैं वे जब प्रसन्न हो जाए तो और बा बांक, क्या बाकी रह जाए इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने बताया अब आज भगवान बता रहे हैं कि प्रहलाद क्षमा जाऊंगा प्रहलाद महाराज कहते हैं धर्म अर्थ काम यह भी वर्ग धर्म अर्थ काम ये तीनों का जो वर्णन शास्त्र में दिया गया अब वेद भी धर्म अर्थ काम है दिया गया है ना इसकी ही महिमा की गई है उनके साथ ही साथ इच्छा आत्मविद्या और त्रय त्रय मतलब कर्म विद्या ठीक है इच्छा मतलब आत्मविद्या और त्रयी मतलब, मतलब कर्म विद्या ये इनके विषय में भी बताते हैं समझ रहे वैदिक अनुष्ठान नए नए दमो त्रय मतलब कर्म विद्या वैदिक अनुष्ठान हो गए और नए दमो मतलब नीति शास्त्र तर्क शास्त्र तर्क विद्या और शास्त्र विविध चा वार्ता बहुत से कमाने के आजीविका के साधनों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है मनने एतत अखिलम इन सबों को इन सब तब पूर्ण मानता हूँ जब निगमश्य सत्यम वेद के कहे हुए वाक्य को तब सत्य मानता हूँ जब ये भगवान अर्पित तब धर्म अर्थ काम जब भगवान को अर्पित किए जाते हैं तब ये सत्य है ठीक है और इसीलिए इनकी प्रशंसा जो है शास्त्रों में की गई है अब लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं और बेवकूफों जैसी बहुत बहुत सारी बातें करती करते हैं तो का कहने का मतलब ठीक है इसको कोई भोगे ये नहीं इसके लिए शास्त्र में वर्णन नहीं है इसे कोई भोग करे ठीक है धर्म का पालन कोई व्यक्ति कर रहा है तो भगवान की सेवा का संकल्प करे स्वर्ग पाने की इच्छा से व्यक्ति ना करे तो फिर वह बेकार हो जाता इसका पालन होना चाहिए भगवान की प्राप्ति के है ना जैसे पैसे हैं तो भगवान की सेवा में लगा दें ना कि इंद्र तृप्ति में करें देव को भगवान की सेवा में लगा दें स्वयं ना भोग करके भगवान की प्रचार में धन को लगाए गीता दान करें मंदिर में दान करें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हाँ कि अन्य 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 सारी चीज़ों का जरूरी नहीं है इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना इनका एकदम अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि हम पैसे का सही यूज़ कर रहे हैं नहीं तो फिर वो बेवकूफ़ी हो जाती है प्रभु जी इतने पैसे लगा दिए इतने पैसे लगा दिए और उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है इसलिए हमेशा यूज ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है सो अपने पैसे के सही जगह पर इस्तेमाल ना की इधर उधर फेंकने में ठीक है और जब इस तरह से ये जो तीन चीज है कौन से कौन से तीन चीज बताइए हम्म? बताइए धर्म अर्थ तथा काम धर्म अर्थ तथा काम जब इन तीन चीजों का उपयोग किया जाता है इस तरह से तब इसकी प्रशंसा है नहीं तो लोग तो इसको गलत लेते हैं प्रभु जी यही चीज की प्रशंसा है ठीक है लेकिन उसका वास्तविक अर्थ तो समझिए बिना समझे हुए कुछ लोग ऐसे ही प्रश्न इनका उपयोग मानता तो हूं निगमश्य सत्यम जब यह स्व आत्म अर्पणम स्वसुहृद परस्य पुनष स्व आत्म अर्पणम जब परम पुरुष को जो परम सुहृद है वो अर्पित तब इसकी सार्थकता है नहीं तो सब धर्म अर्थ काम ये सब सार्थक कब है जब भगवान को अर्पित अगर भगवान को अर्पित नहीं किए जा रहे हैं तो व्यर्थ है मुख्य भगवान को कोई व्यक्ति अगर भगवान को अर्पित कर रहा है नहीं कर रहा है तब तो। किसी भी हाल में भगवान को जो है हस्तों में देखा गया है कि इनके द्वारा भगवान की सेवा होती है है ना भगवान की सेवा आप आज प्रकट देख रहे हैं कि पैसे से भगवान की सेवा होती है कि नहीं होती हरे कृष्णा सिग्नल प्रॉब्लम चल रहा है झारखंड में बहुत ज्यादा दो दिन दो तीन दिन से इधर मौसम खराब था तो फिर की वजह से ही ओके कंटिन्यू तो हम लोग चर्चा कर रहे थे हाँ कि धर्म काम इसकी सार्थकता कब है जब हम इसको भगवान की सेवा में लगाते हैं नहीं तो इसका कोई यूज़ नहीं है फिर कोई मतलब नहीं बनता है है ना और आप देखिए कि मतलब धर्म अर्थ काम ये सारे का यूज भगवान की सेवा में आप कर सकते हैं कि नहीं आज आप प्रकट देख रहे हैं कि पैसे की किस प्रकार से यूज किया जा सकता है भगवान की सेवा है ना अब देखिए पैसे से बुक प्रिंट्स होते हैं कि नहीं हरेक लोग कहते हैं कि प्रभु जी अर्जुन तो गीता का ज्ञान जो है फ्री में दिया था आप पैसे ले रहे हैं हम लोग कुछ दिन पहले जब गीता डिस्ट्रीब्यूशन का मौका था तो गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो वन माता जी शी वॉज टोटली ड्रंक शी वॉज बाइंग वेजिटेबल्स नवन प्रभु वाज ऑल्सो विथ मी तो मैं वहाँ पे गया एंड उनको बताया कि माता जी भगवत गीता लेंगे या। मैं तो डर गया भाई क्या सच में तो। फिर हमने फिर उनसे बोला आप ले सकते हैं भगवत गीता बिकॉज फ्रॉम अ गुड फैमिली आई थिंक तो उन्होंने कहा कुछ कुछ ऐसा ऐसे शब्द बोले हो क्योंकि वो अब तो पी रखा था उन्होंने तो फिर वो कुछ भी बोल सकती हैं ऐसी कुछ बोला कि ठीक है आप भगवत गीता आज गीता जयंती है हमें भक्तों के द्वारा कुछ स्पॉन्सरशिप मिला है तो वी आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग इन फिफ्टी परसेंट ऑफ आप वन एटी की गीता नाइन्टी रुपीज सेवेंटी रुपीज़ में ले सकते ले लीजिए तो हमने उनको गीता देने के लिए भी नहीं तुम भगवान को मत बेचो तो भाई हम भगवान को बेच कहा रहे हैं उनके ज्ञान को दे रहे हैं आपको और उसके बदले कुछ आपसे डोनेशन ले रहे हैं ताकि हम बुक्स को प्रिंट करा सकें तो वो तो खैर पी रखा था उन्होंने वो तो बहुत कुछ बोला फिर हम लोगों ने बहुत देर तक और मैं मैं निकलना चाह रहा था मैं सोचा भाई कहाँ पकड़ गया मैं कहाँ पकड़ा गया लेकिन वो तो फिर पकड़ नहीं सुनो 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 एंड देन लेटर वन पर्सन कैम बुलेट लेके आया सही बोल रही है ये वो पी, पिया हुआ नहीं था वो व्यक्ति पिया हुआ नहीं था तुम लोग बर्बाद कर दिए हो भगवान गीता बेचने वाली चीज है अरे मूर्ख कहीं का गीता क्या फ्री में छपता है मुझे इससे ज्यादा क्रोध उस व्यक्ति पे आया कि कितने नॉनसेंस लोग हैं रेसिंग तो बड़ी उसकी अच्छी थी जैकेट पहन रखा था उसने फुल पैंट पहन रखा था जूते बाइक अच्छा बाइक लेकिन मुझे लगा कि ये टोटली अनपढ़ व्यक्ति है इसे इतना भी नहीं पता केजी का जो बुक होता है इतने पतला आता है उसका दाम सौ दो सौ रुपये ले रहे आज इसको और हम उन्हें जीवन का अनमोल ज्ञान दे रहे हैं ये ऐसा ज्ञान जो एक बार व्यक्ति पढ़ ले तो कभी कष्ट नहीं आएगा वह ज्ञान दे रहे हैं तो वह मूर्ख व्यक्ति बोल रहा है तुम बेच रहे हो अब बताइए इसको वो भी क्या फिफ्टी परसेंट ऑफ करके दे रहे हैं फिर भी वह व्यक्ति बोल रहा है कि अब देख सकते हैं वैसे दुनिया में बहुत बहुत सारे मूर्ख व्यक्ति जो है ठूसे पड़े भरे पड़े नहीं ठूसे पड़े हुए इधर से आते हैं घुस जाते हैं किधर से भी आते हैं घुस जाते हैं तो हमारे कहने का अर्थ ये था कि हम लोग किसी भी तरह से इन सारे चीजों से बच सकते हैं है ना इन सारी चीजों को कृष्ण को अर्पित कर देखिए आज इस कौन कितना गीता प्रिंट कर रहा है हम ऑडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं यस कर। तो ये वास्तविक जो है सो सार्थक पैसे होंगे तो ब्रिंक बुक प्रिंट होगा प्रसाद वितरण होगा देखिए कितने सारे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि निस्कोन यात्रा यात्राएं निकालने में सुविधा होगी अगर पैसे नहीं होंगे तो मंदिर नहीं बन पाएगा भक्तों के रहने के खाने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो जिन लोगों को अर्थ मैने धन भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो वह क्यों नहीं प्रशंसनीय वह प्रशंसनीय है जो भी व्यक्ति धन अपनी सेवा भगवान में दे रहे हैं वह प्रशंसनीय व्यक्ति इसलिए शास्त्र कहता है कि पैसे कमाना चाहिए काम की वस्तुएं जुटानी चाहिए धर्म का आचरण करना यह शास्त्र का लेकिन वह इसलिए वह सब मिलकर के हमें भगवान की भक्ति में सहायता अगर वह बाधक बने तो फिर उसको लात मारो और भाग जाओ अब बताइए आंखों में काजल क्यों लगाई जाती है बताइए ताकि सुंदरता बढ़े आंखों की रोशनी बढ़े अब अगर काजल लगाने से आंख फूट जाए तो फिर तो उसको फेंक देना ही बढ़िया है ना उसी प्रकार से ये अर्थ ये धर्म ये काम ये तीनों चीज का यूज किसमें होना भगवान की सेवा में अगर वह बाधक बने तो उसको फेंक देना चाहिए ठीक है जिसके पास पैसा है वह आराम से रहे भगवान का भजन करे चिंता में ना रहे और यदि धन आपका भगवान की सेवा में लग रहा है निश्चित मतलब आप भगवान को प्रिय होते जा रहे अरे हाँ भाई चलो ये प्रशंसा के योग्य है वो वा धन्य है कहते हैं जाकी रामायण में लिखा गया है वह धन धन्य है प्रथम गति गति होती है। धन की तीन गति में आज बताऊंगा आपको देखिए प्रथम गति कौन सो धन धन्य प्रथम गति जाकी वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति होती है और धन की तीन गतियां होती है वन टू थ्री तीन गतियाँ कौन सी कौन सी पहला दान भूख तीसरा विनाश तीन गति दान को प्रथम गति क्या अब दान का अर्थ है भगवान की सेवा में लगा गीता बांटना प्रसाद बांटना भगवान के लिए मंदिर बनवाना इत्यादि इसका यूज भगवान के कार्य हेतु तो हो भगवान के कपड़े भगवान के फूल माला भगवान के भोग इत्यादि है ना तो जो नीडी लोग हैं जो जरूरतमंद हैं उनकी सेवा में लगाना उनको भगवान का प्रशाद देना है ना? प्रतम गति, प्रतम है ना प्रथम प्रथम गति कार्य एक रुपया यहाँ दिया हुआ करोड़ों रुपए प्रलोक में मिलता है ध्यान रखिए भगवान के दाम में ये शास्त्र का सिद्धांत है शास्त्र कह रहा है तो प्रलोक में सुखी रहने के लिए लोग बहुत देते हैं दान आप देखिए इतने बड़े बड़े मंदिर कैसे बनते कोई कोई डाउट नहीं है देते ही है तो प्रलोक में सुखी रहने के लिए दान देना चाहिए भगवान के धाम जाने के लिए दान देना चाहिए आप जानते हैं अभी एक भक्ति है डायरेक्ट भक्ति नहीं है लेकिन भक्ति है है ना प्रलोक में सुखी रहने के लिए बहुत लोग देते हैं बहुत अच्छा है प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि भविष्य में हमारा धन पड़े लेकिन वह केवल यहाँ बैंकिंग सिस्टम से धन बढ़ाना चाहता है और वो तो चार परसेंट पांच परसेंट सात परसेंट इंटरेस्ट देता है लेकिन अगर आप भगवान की सेवा में देते हैं ना तो वो करोड़ परसेंट करोड़ परसेंट बढ़ जाता है है न बैंक तो इंटरेस्ट देती है और व्यक्ति चाहता है कि यहां से धन बढ़े यदि कहा जाए कि प्रोक में मिलेगा दूसरे जन्म में मिलेगा तो नहीं बढ़ाना चाहता तो ये मूर्खता है जब तक कुछ लोग प्रश्न करेंगे प्रभु जी आप केवल बोल रहे हैं भगवान की सेवा में लगाना चाहिए गरीब लोग कितने हैं देखो उनको नहीं देना चाहिए कुछ लोग गरीबों की संस्था भी चलाते हैं फ्रंट लाइन में देखने के लिए मैं और किशन प्रभु जब लास्ट ईयर कोविड चल रहा था ना उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे प्रसाद है ना किशन प्रभु याद है तो हमारी कार जो है कार की टायर पंक्चर प्रभु जी की नहीं, प्रभु जी की कार की टायर गई तो हम लोग टायर बनवाने के लिए गए थे और जब टायर बनवा रहे थे तो उसके बगल में ही ऐसे ही गरीब संस्था बाप रे बाप गरीबों के लोगों गरीब लोगों को दान कर रहा था हमने देखा कि वहां पे खिचड़ी बनाया जा रहा था मस्त अंदर वो एकदम वो शराब पी रहे हैं सिगरेट फूक रहे हैं खिचड़ी बन रहा है डीजे बज रहा है अंदर डीजे बजो खिचड़ी बन गया खिचड़ी बनने के बाद एकदम लाइन में लगा दिए यहाँ से वहां तक मुझे लगता है दस पांच लोग होंगे लेने वाले बीस लोग होंगे फोटो खींचने वाले कम से कम चालीस पचास तो रख लो

गरीबों को हम लोगों ने देखा प्रो देखो यही हो रहा है गरीबी के नाम ये दुरुपयोग है पैसे का पैसे तो इकट्ठा कर रहे हैं वह जनता से डोनेशन तो ले रहे हैं उसका यूज क्या कर रहे हैं सिगरेट पी रहे हैं डीजी लगा रखे हैं शराब पी रहे हैं और गरीबों को क्या दे रहे हैं इतने इतने से धन ये कितने लोगों का देखिए कितने लोगों का पतन करा रहे हैं एक पहला जिसे धन लिया उनका अपना जिसको दे रहा है उसका भी पतन क्योंकि okay, वो तो प्रसाद नहीं दे रहा है वो कर्म बंधन में दे रहा है और लोग बहुत धन इकट्ठा कर रहे थे बड़े बड़े व्यक्ति आए थे हम लोगों ने भी ऐसे कुछ किया था कि भाई जिनको देना है वो दे सकते हैं वे आर जस्ट फीडिंग अ पीपल ट्वेंटी रुपीज बीस रुपये ही था हमारा और बीस रुपये में हम लोग भरपेट प्रसाद खिलाते थे पता नहीं कैसे होता था लेकिन ट्वेंटी रुपीज़ एक व्यक्ति के लिए इनफ होता था हमारे और जहाँ भी हम लोग प्रसाद देते थे सब लोग बोलते प्रभु जी इतना प्रसाद तो कहीं नहीं मिलता है जितना देते हैं आप देख सकते हैं हम लोग भी गरीबों की सेवा कर रहे थे हम लोग भी निडी पर्सन को दे रहे थे लेकिन हम लोग नहीं कर रहे थे वो कृष्ण दे रहा व्यक्ति दे रहे थे कृष्ण को कृष्ण हमें दे रहे थे और हम डायरेक्टली बांट रहे थे यहाँ संबंध है कृष्ण से अब यहाँ किसका किसका उद्धार जिसने दिया उसने डायरेक्टली किसको दिया किसकी सेवा में दिया प्रसाद पैसे बताइए कृष्ण की सेवा में कृष्ण ने देखा अब वो प्रसाद कृष्ण ने खाया ठीक है हम लोगों ने बांटा हमारा भी कल्याण जिसने खाया उसकी तो बात ही छोड़ दो क्योंकि वो डायरेक्ट कृष्ण प्रसाद ले रहा है देख रहे हैं एक ही पैसे का दो उपयोग एक जगह पैसे दे रहे हैं तो पूरा बर्बाद आपका भी पतन एक जगह पैसे दे रहे हैं एक साथ पांच पांच छह छह आदमी का उद्धार अब बताइए किधर देना चाहेगा व्यक्ति पैसे गरीबों को भी दान करना है तो बेस्ट ऑप्शन है डोनेशन का इस्कॉन में जाओ और जाओकोन में डोनेट बहुत सुंदर संतोष पर कह रहे देखिए प्रभु प्रभु जी हमें उपात के हाथ में देना वेरी नाइस nice. बहुत अच्छी बात और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास मैंने बताया ना एक माता जी थी हमारी वो वॉज फ्रॉम बैंगलोर एंड उन्होंने कहा कि प्रभु जी आई वॉज डोनेटिंग इन और अच्छा अच्छा है माता जी नहीं प्रभु जी मैंने देखा कि वहाँ पे इंटरनल कुछ और ही मैटर है एक्सटर्नल कुछ और ही मैटर है एक और माता जी उसको चलाती थी वो बोली कि माता जी चलाती थी कुछ जो भी होता है मुझे पता नहीं उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा बताया नहीं लेकिन उन्होंने बोला कि जब मुझे थोड़ा सा भी भनक लगा तो मैंने बंद कर दिया हुआ आप देख सकते हैं कि ये बहुत गलत चीजें हैं ध्यान रखिए दान देने दान देने के साथ किसको आप दान दे रहे हैं ये पात्र बहुत मायने रखता है कि भाई किसको आप दे रहे हैं क्या वो आपका कल्याण कर रहा है या तो आपका पतन करा रहा है जनरली पता नहीं कराते महाराज कहते हैं, बहुत लोग धार्मिक संस्था खोल के रखते हैं फलाना आश्रम यहाँ पे गरीबों को बुढ्ढों को रखा जाता है भोजन कराया जाता है और क्या कराते हैं भोजन के नाम पे वो मांस काट के खिलाफ ये बहुत गलत चीज़ है एक तरफ तो एक जीव को आप बोल रहे हैं कि हम रखेंगे दूसरे जीव एक दूसरे तरफ एक जीव को मार रहे हैं ये बहुत गलत बात है बच्चे ऐसे स्थान पर पैसे नहीं करना है भूल से भी मत करना ये तो बहुत बड़ा पतन होएगा ठीक है अगर पैसे ही लगा रहे हैं तो भगवान की सेवा में लगाओ डायरेक्टली है ना अभी आप देखिए कितनी सारी संस्थाएं आ रहे हैं कोविड में मदद करने के लिए इसको चला रहे हैं ना दो कितना दो सौ बेड तो पहले ही था और अभी पता नहीं कुछ बड़ा भी होगा ऑक्सीजन बेड युक्त तो। पता है कीर्तन भी करा रहे कीर्तन भी कराते हुए भक्तों को लोगों को इलाज करा रहे ये वास्तविक इलाज है अगर व्यक्ति वहां मर भी गया ना भगवान के धाम जाएगा कीर्तन सुनते सुनते गया तो नहीं तो कम से कम उसका पतन तो नहीं होगा क्योंकि वह प्रसाद खा रहा है भक्तों से एसोसिएशन ले रहा है और क्या चाहिए बताइए ऐसे स्थान में कभी पतन होगा क्या मेरे ख्याल से ना हर एक हॉस्पिटल में ना एक एक चैम्बर होना चाहिए जहां पे लोग कीर्तन करे बैठ घूमता रहे वो कीर्तन कीर्तनिया जो है घूमते रहे पूरे स्कोन में या पूरे हॉस्पिटल में क्रिश्ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे रामा, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे और स्पेशली इन आई सी यू आईसीयू में ज्यादा डेट होते हैं ना डेथ कहाँ भी होती है ज्यादा मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन हमने सुना उधर ही ज्यादा होता है तो वहाँ पे जाके अच्छे से कीर्तन कर सकते हैं और जो व्यक्ति कीर्तन सुनते हुए प्राण त्यागेगा वो तो सीधे भगवत धाम जाएगा नहीं तो कम से कम पतन तो उसका नहीं होगा ना पतन तो नहीं होगा ये ये अच्छा गति है भोग पहला गति हो गया दान अब दान देने में देखना दान, देने वाले के, तो दान दे रहे हैं जो दान लेने वाला उस पात्र को दे तो भोग खूब खाए खूब पिए मजे से रहे घर बनाए घूमे गाड़ी चलाए गाड़ी खरीदे फ्लाइट खरीदे कम से कम ये तो करे और यदि, यदि यदि ये भी नहीं कर रहा है तो व्यक्ति का विनाश होता है देने विनाश दान और भोग नहीं कर पाए तो विनाश होता है चाहे चोर ले ले परिवार के लोग ले ले या सरकार ले लेके इसको विनाश कहते कुछ दान नहीं दिए भोग भी नहीं भोगे तो जाना तो है ही किसी भी परिस्थिति में चाहे क्यों ना हो व्यक्ति व्यक्ति भी मर जाए पर धन पड़ा रहेगा जाना तो तय है या तो जीवित अवस्था में धन चला जाएगा फिर मरने के बाद चला जाएगा है? धन ही धनी को छोड़कर चला जाए अथवा धनी धन को छोड़, जैसे चोर इत्यादि ले जाएंगे अथवा वो धनी ही धन को छोड़कर चला जाएगा पहला धनी ही धन को छोड़ के चला जाता है मतलब मर जाता है दूसरा धन ही धनी को छोड़ के चला जाता है चोर इत्यादि ले गए कितने कितने बड़े बड़े लोग धनी व्यक्ति जीवित अवस्था में ही गरीब हो जाते हैं कि नहीं और कुछ लोग धन के रहते हुए भी मर जाते हैं मर गए तो वहाँ पैसे लेके जाने नहीं देंगे अब जब मर गए तो क्या धन कोई फायदा नहीं सारा धन तो यही छोड़ ना सिकंदर देखिए पूरे विश्व का राजा था और जब वह मरने लगा ना तो उसके हाथ को ना खुला छोड़ देना और मेरे आसपास कुछ को सिक्के छोड़ देना तो सरकार ऐसा तो आपके पूर्वजों में किसी ने नहीं किया लरे मैं दिखाना चाहता हूं कि देखो पूरे दुनिया का सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने वाला आज जब मर रहा है तो एक रुपये भी लेके नहीं जा मृत्यु सर्व हर्षात जब मर गए तो वहां पैसे लेके जाने नहीं कोई पैसे लेके जाने नहीं देंगे समझ रहे सारा धन तो यही छूट जाता है अब उनके नाम पे बैंक में करोड़ों रुपया पड़ा है कोई फायदा नहीं अगर नॉमिनी नहीं है तो बैंक वाला तो डोनेट कर देगा अब निकाल भी नहीं पाएंगे बहुत बड़े प्रॉपर्टी का मालिक भी होगा तो क्या उसका मतलब उसे दूसरे जन्म में तो ये मिलेगा नहीं ऊपर भी मिलेगा नहीं अब क्या दान किए होते तो नेक्स्ट जन्म में कम से कम मिल गया होता व्यक्ति जरा सा भी इस विषय में नहीं सोचता है बस सारे पैसे मृत्यु सब कुछ छीन लेती है ये ही नहीं रह जाता है तो दूसरे चीजों के विषय में क्या कहा जाए कोई वहां पे इस धन को पहुंचाने वाला नहीं है अरे मैं चला गया हूँ बच्चे को फोन कर अरे मेरे अकाउंट में डाल दो या फिर वहां जाकर यमराज जी को कहो मेरे बैंक ऑफ इंडिया में पाँच सौ करोड़ पड़े हो तो बोलेंगे इसको पाँच घंटे और मार ऊपर से भूस देने का प्रयास कर रहे हैं अभी आके धन हो तो उसे कम गति में लाना चाहिए ध्यान रखें तो क्या फायदा आप के क्या कीजिएगा धन को बता दीजिए या तो आप छोड़ के चल जाएगा अथवा तो धन छोड़ के चल जाएगा कोई फायदा नहीं है इसलिए धन जो है उसको दोनों हाथों से उठा उठा कर दान करना चाहिए बहुत सुंदर कहते हैं एक संत की जब धन और जीवन में जब धन बढ़ने लगे और नाव में जब पानी बढ़ने लगे दोनों को दोनों हाथों से निकाल निकाल कर फेंकना चाहिए दोनों हाथों से निकाल निकाल कर बाहर ठीक है तो प्रहलाद महाराज यहाँ कह रहे हैं कि इन सब वस्तुओं की प्रशंसा इसलिए की जाती है कि इन सब वस्तुओं से भगवान की सेवा इसकी सेवा सुहृद परमस्य पुंस जो अपनी हितेशी हैं जो परम प्रिय हैं अर्पण कर परमस्य पुंश जो परम पुरुष हैं जो सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप उनको अर्पण करने करने से कृष्ण को पर अर्पण करने से तब जाके इन सब की साथ इतना ज्ञान दे करके इतना कहने के बाद प्रहलाद महाराज अपने गुरु के विषय में बता अपने गुरु के संप्रदाय के विषय बता रहे हैं ये ज्ञान मिला कैसे ज्ञान मिला छब्बीस श्लोक में उपदेश देते हैं और छब्बीस श्लोक के बाद गुरु के विषय में बताते हैं कि वहां पर हमारे गुरु महाराज कौन है उसने हमें शिक्षा दी ये सारी चीजें यहाँ पर बताते हैं उन्हीं लिए थोड़ी सी जा देख लेते हैं क्या कह रहे हैं तदेत मलम दुर्वाप महा नारायणो नरशक कील नारदाय मान भगवत तत अकिंचनाम पाद अरविंद रज शाह आपुलत देना नाम, नाम श्यात। जो मैं ज्ञान तुम लोग को दे रहा हूं यह ज्ञान नारद मुनि या भगवान ने नारद मुनि को दिया भगवान ही सभी परंपरा के आप जानते ही हैं, हमारे संस्था के आचार्य हैं नारद जी आप जानते हैं कि नहीं ब्रह्मत्य गौड़ी संप्रदाय के आचार्य हैं कि नहीं नारद जी भगवान ने किसको दिया पहले ब्रह्मा जी को दिया, दिया? दित्वर्ण। 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 फिर ब्रह्मा जी ने किनको दिया नारद जी ने किनको दिया? को नहीं नारद जी ने दिया ब्याज देव जी को ब्याज देव जी के बाद फिर माधवाचार्य से माधवाचार ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी से चैतन्य महाप्रभुशर फिर ये परंपरा शिला रुपात तक आई और हम लोग फिर श्रुपात के बाद हमारे गुरु महाराज हमारे गुरु महाराज के बाद इस प्रकार से बढ़ता रहेगा, है ना? कैसे आ रहा है देख गिरा नहीं है ठीक है? फिर वो ये कह रहे हैं भगवान ही परम मूल है भगवान नर नारायण बद्रिका आश्रम में तपस्या करते हैं वे नारद जी को ये ज्ञान दिए नर क्योंकि शख अथवा नर के सखा और नारायण ये भगवान के दो अवतार हैं नारद जी को यह ज्ञान दिया दूसरे श्लोक में कहते हैं प्रहलाद महाराज लेकिन अभी यहाँ कह रहे हैं एकांति नाम भगवत तथा अकिंचना यह ज्ञान नारायण से नारद जी को प्राप्त है तो उन बच्चों ने कहा नारद ने कहा नारद जी ने लिया तो हम लोग कहाँ से हम कह, लोग कहाँ से कर सकते हैं नारद जी तो बहुत बड़े भक्त है प्रहलाद महाराज कहते हैं नहीं 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 कोई भी ले सकता है एकांति नाम भागवत तथ अकिंचनाम पदार विंदे रजता आपुलतम देहिनाम श्या और यह ज्ञान किसी को भी हो जाएगा भगवान के कांति को अनन्य और प्रिय भक्तों के चरण रज को रज में नहाएगा के? फिर आगे कहते हैं जिनका दर्शन भगवान के दर्शन के समान है जो महान है वैसे नारद मुनि से यह ज्ञान मैंने सुना मैंने उनसे पहले और तो इतने दिन पहले सुना तो दो तीन साल पहले और यह ज्ञान जो है यह ज्ञान और विज्ञान के साथ आया है विज्ञान संयुत्तम अट्ठाईसवां श्लोक में कहते हैं ये इतना <coughs> क्या कह रहे हैं अट्ठाईसवें श्लोक श्रुतमेत मायापूर्व ज्ञानम विज्ञान संयुक्त धर्म भागवतम शुद्धम नारदाद देव दर्शनात् इनका दर्शन यह ज्ञान जो है विज्ञान के साथ आया है विज्ञान संयुक्तम है ना विज्ञान संयुत्तम विज्ञान के साथ एवं अनुभव से युक्त ज्ञान ये और यह शुद्ध भागवत धर्म है तो मैं नारद सुनते ही प्रहलादी न रीते अन्म गुरु एताभ्याम गुरुपुत्राभ्यम बालनाम हरीश्वरे हे प्रहलाद हम सारे बच्चे और तुम लोग हम लोग तो आ, हम लोग ये नहीं जानते हे प्रहलाद हम सारे बच्चे हम लोग तो हम लोग तो ये चीज को नहीं जानते हैं और ये गुरु पुत्रों के अलावा ये संड और अमर के अलावा हमारे और भी कोई गुरु हैं यह बात भी हम नहीं जानते हैं और ये बात वो कभी बताते नहीं है ये सब ज्ञान तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ चौबीसों घंटा तो तुम हमारे साथ रहते हो तेरे घर पे भी कोई साधु आ नहीं सकता क्योंकि तेरा बाप हिरण्य कस्पू साधुओं को देखते ही पीटने लगता है कैसे तुम्हारे पिता ही हमारे ईश्वर है ईश्वर तो इन दोनों गुरु को छोड़कर अन्य गुरु को तो हम नहीं जानते फिर तुमने कैसे जान लिया श्लोक में क्या बालस्या संशयम शौम्य सेत चेत वि, विस्तृकार उन्होंने कहा न तुम तुम्हारे ना और ना ही हम शुक्राचार्य पुत्र सुक्राचार्य के पुत्र संडोर अमर के अलावा और किसी को फिर यह ज्ञान तुम्हें प्राप्त से हुआ ना? तब प्रह्लाद महाराज जानते हैं आगे कथा को आप जानते हैं वो कहते हैं कि किस प्रकार उनके माता को महाराज जी जो है सो इंद्र जो है बंदी बनाकर के लेके जा रहे थे जब उनके पिताजी को उनके पिताजी तपस्या करने चले गए थे और फिर जो है सो जब वहां से हां जब वह तपस्या करने चले गए तो इंद्र उनकी माता का यादू को लेकर जा रहे थे उस समय नारद जी रास्ता में आए नारद जी ने उन्हें उनके बंधन से मुक्त कराया और नारद जी उनके आश्रम में लेके गए तो उनकी माता ने दो वरदान मांगा पहला कि जब तक मेरा पति नहीं आ जाए तब तक मेरे गर्भ मेरा बालक बना रहे और उसके बाद जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आप मुझे सुनाए तो जब यह ज्या ज्ञान मेरी माता को नारद जी दे रहे थे तो मैं उनके गर्भ में बैठे बैठे ज्ञान। बहुत महत्वपूर्ण है यह भागवत धर्म बहुत और जी लोग प्राय गर्भवती होती होती ऐसी अवस्था बहुत सुनना चाहिए ठीक है तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज के देश का आज हम लोग करते हैं कल से हम लोग प्रयास करेंगे बहुत सुंदर अद्भुत ज्ञान अद्भुत बहुत सुंदर हम लोग सुनेंगे तो बहुत आनंद बहुत आनंद आप लोग और लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं उनको भी बुला सकते हैं क्लास में आ सकते हैं इसमें बहुत सुंदर इस हरे कृष्णा कोई कुछ कहना चाहेंगे कमेंट अथवा कोई प्रश्न पूरे प्रहलाद महाराज की स्तुति के ऊपर हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा शुभम प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी प्रभु जी मधुआचार्य ट्वेल्थ सेंचुरी में आए थे तो व्यासदेव से ज्ञान उनके पास कैसे आया अब देखिए ये चीज देखना पड़ेगा मैं खाली कह रहा था कि ये धारा है अब उनके बाद कौन आए मुझे भी कंफर्म याद नहीं है मैं ये बता रहा था कि इस प्रकार से इस प्रकार से करते आए आप कौन से नाम अप डाउन हुए ये मुझे भी नहीं पता है जी प्रभु जी ये तो आपको, दिख्ड़ु आप दिख्ड़ु ये भगवत गीता में देखिए ना आया आया है भगवत गीता तो हुआ तू निकाल के देख पेज नंबर 32 पे है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन के बाद है देखिए श्री कृष्ण के बाद ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी के बाद नारद जी नारद जी के बाद व्यास जी फिर माधव फिर पद्मनाभ इस प्रकार से करते करते आए में सारा कुछ दिया हुआ है और यदि विस्तृत जानकारी चाहिए तो फिर तो आपको गुरु परंपरा पढ़नी पड़ेगी अच्छे प्रकार से कि कार कब आए यस प्रो बोलिए प्रो प्रभु जी माधवाचार्य ने डायरेक्ट वेदव्यास से ज्ञान लिया था बद्रीनारायण की गुफा में जाकर ओके ठीक है और माधवेंद्रपुरी फिर आए हैं तो, है। नहीं बीस नंबर में बीस नंबर माधवपुरी माधव माधव दो हैं एक वो माधव थे ये माधव है आठ नंबर में पूरा गुरु परंपरा पढ़ना पड़ेगा तब तो हमें समझ में आएगा कि कौन किसने ली किस ना ईश्वरपुरी से चैतन्य माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी हम लोग ज्यादा मोस्टली ज्यादा से ज्यादा जाते हैं तो हम लोग इस माधवेंद्रपुरी तक ही जाते हैं फिर उससे आगे पढ़ ही नहीं पाते है ना तो माधवेंद्रपुरी के बाद ईश्वरपुरी ईश्वरपुरी के बाद चैतन्य महाप्रभु फिर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इत्यादि फिर रघुनाथ जी गोस्वामी फिर कृष्णदास बाबाजी महाराज नरोत्तम दास ठाकुर विश्वनाथ चकृति और फिर बल्दीप विद्याभूषण जी हाँ नहीं जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर फिर गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज फिर स्वस्ती मत, फिर कपड़ों पाल ठीक है